गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल की डॉक्टर अमीना कारी को भी मंच पर निमंत्रण देता हूं। तो अभी हमारे साथ है शमीम कारी जो डिविडोज के ओनर है। तो हम उससे पूछते हैं कि आज जो है करगिल विजय दिवस रन जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था द्रास के अंदर, तो शमीम खुद ने यहाँ पे इस रन में पार्टिसिपेट किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और आने वाले दिन में अगर ये जो रन जो ये मैराथन कंटिन्यू रहता है तो किस तरह की टूरिज्म डेवलप होगा करगिल के अंदर? मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने क्या नाम है इस मैराथन को स्पॉन्सरशिप किया और इसके टाइम टू टाइम इसको कंट्रीब्यूट किया हर चीज में, तो हम होप करते हैं कि ये कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा और हमारा भी एक कोशिश रहेगा कि दिन ब दिन इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ मैसेजेस का और अपनी हेल्थ के लिए लोगों को काम करने के लिए बोलें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। ये मैराथन एक मिशन है, एक मैसेज है अपना हेल्थ के साथ साथ देश के वीर जवानों को याद रखने का, उनको ट्रिब्यूट पे करने का। 26 जुलाई अभी आने वाला है विजय दिवस, तो उसी के साथ में ही ये विजय दिवस रन भी इसी मकसद से किया गया है कि लोग अपनी हेल्थ को भी ख्याल रखें। ए हेल्दी नेशन इज एन प्रॉस्परस नेशन, तो उसी मिशन के साथ हमने ये ऑर्गेनाइज किया है और इंडियन आर्मी के सारे सोल्जर्स की तरफ जो अभी भी काम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ दिया उनको ट्रिब्यूट भी पे कर रहे हैं। थैंक यू। तो अभी शमीम भाई से बात कर रहा था, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के जो जवान से उन्होंने भी यहाँ पे हर जो भी है 5 किलोमीटर 10 और 21 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया और ये देखा है कि द्रास जैसे हाई एल्टीट्यूड और ये जो द्रास जो है सेकंड गोल्डेस्ट हैबिटेट कॉलेज इन द वर्ल्ड है, यहाँ पे दौड़ के पूरा नेशन को एक पैगाम पहुँचाए कि यहाँ के द्रास में जो हमारे जो वीर जो जवान है जिन्होंने 99 करगिल वॉर में अपना बलिदान दिया था इस देश के रक्षा के लिए, तो आज उन जवानों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है और आने वाले दिन में ये जो मैराथन है ये मेगा इंटरनेशनल लेवल पे ये लद्दाख का सबसे बड़ा मैराथन जो होने वाला है, क्योंकि जो द्रास में ये एक तो ये हाई एल्टीट्यूड पे ऊपर से हमारे देश भर के जो लोग हैं हमारे पूरा नेशन के जो लोग हैं उनको ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि द्रास में आके हमारे जो जवान हैं उनको ट्रिब्यूट देने का। एक्सेलसियर न्यूज़ के लिए करगिल लद्दाख से बशारत लद्दाखी।